और देखिए, जब केरल में बाढ़ के बाद केंद्र की मदद को लेकर राजनीति हो रही है, तब एक बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार की तरफ से केरल को आर्थिक मदद पर आधिकारिक बयान आया है। सरकार ने कहा कि 600 करोड़ रुपए की सहायता अंतरिम और आपात सहायता है। इसके अलावा 562 करोड़ रुपए पहले से ही राज्य आपदा राहत कोष में मौजूद थे। केंद्र सरकार ने कहा कि उनकी तरफ से कई और कदम पहले ही उठाए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजा दिया है, टूटे हुए घरों को पीएम आवास योजना के तहत बनाया जा रहा है, मनरेगा के तहत सहायता की जा रही है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी केरल में टूटी हुई तबाह हुई सड़कों को फिर से बना रही है। प्रशांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, सरकार को आधिकारिक बयान इसलिए भी देना पड़ा क्योंकि मैंने ये किया, तूने ये नहीं किया, तूने क्या किया, इस तरीके की राजनीति हो रही थी? बिल्कुल, देखिए अनुराग, पिछले दो दिनों से आपने देखा होगा, खासकर जब से जो यूएई की तरफ से जो सहायता आई थी उसके बाद जो जिसे नकार दिया गया, उसके बाद सरकार की लगातार आलोचना हो रही थी, न सिर्फ केरल सरकार की तरफ से बल्कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों की तरफ से कि बीजेपी सरकार जो केंद्र में है वो राज्य राज्य में विभेद कर रही है, बाकी राज्यों को ज्यादा पैसा देती है और यहाँ केवल 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लिहाजा सरकार को आज आधिकारिक तौर पर ये सफाई देनी पड़ी एक बयान के जरिए और ये कहना पड़ा कि जो 600 करोड़ रुपए की राशि जो अभी दी गई है वो केवल अंतरिम राहत है और उसके अलावा जो बाकी पैसे दिए जाएंगे उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसका बाजाबता जिक्र किया गया है कि राज्य सरकार की तरफ से एक ज्ञापन आता है और उसके बाद यहाँ से एक सेंट्रल टीम जाती है, वो अपनी रिपोर्ट देती है और उसके बाद उस रिपोर्ट पर गृह मंत्री की अध्यक्षता में मिलाकर सरकार केरल पर काम कर रही है। और होना यही चाहिए कि हर कोई अपना काम करे सिवाय इसके कि उसने क्या किया, मैंने क्या किया का आकलन करने में लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका। ये है ABP News, आपको रखे आगे।